सो फ्रेंड्स वेलकम टू टू डेज लेक्चर ऑफ कंडेंसेट रिटर्न पम्प और पी 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 यू दैट मीन्स प्रेसर पावर पैकेजिंग पम्पिंग यूनिट फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि कंडेंसेट रिटर्न पम्प्स क्या होते हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं सो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग टू डेज़ लेक्चर अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक like कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए फ्रेंड्स मेरे ये जो लेक्चर्स हैं इनके बेसिकली पी मैं अपने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा सो so, जिसको भी डाउनलोड करना हो वो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकता है नाउ फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की सो so, फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो प्रेशर पावर टैंक पैकेजिंग पंपिंग यूनिट जो है वो बेसिकली इस तरीके से आपका दिखाया जाता है सो so फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो बेसिक इस तरीके से आपको इसका ओवरव्यू दिखेगा फ्रेंड्स ये बेसिकली जो पम्प्स होते हैं इट इज़ डिज़ाइनड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कंडेंसेट फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टीम यूटिलाइजेशन टू द बॉयलर फीड सर्किट फ्रेंड्स ये बेसिकली पंप आपका वहाँ आपके प्लांट में यूज़ होता है जहाँ पे आपका मेजर स्टीम का कंजम्पशन होता है और ये वहाँ से जो आपका कंडेंसेट होता है उस कंडेंसेट को ये दोबारा विद द हेल्प ऑफ स्टीम बॉयलर में फीट बॉयलर के सर्किट में फीट करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है दिस सर्किट कैन देन बी यूज एज आइडल सोर्स फॉर बॉयलर फीड वाटर द कंडेंसेट कैन देन बी यूज आफ्टर दैट जो यहाँ का यहाँ जो कंडेंसेट रहता है दिस कैन बी यूज एज एन आइडल सोर्स फॉर बॉयलर फीड वाटर के लिए ये एक आइडल सोर्स माना जाता है इट इज़ बेसिकली अ मकैनिकल पम्प ये बेसिकली एक मकैनिकल पम्प होता है दैट डिराइव्स मोटिव फोर्स फ्रॉम द प्रेसर ऑफ मोटिव गैस यूजअली स्टीम और कंप्रेस्ड एयर ये फ्रेंड्स आपका वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ द मोटिव फोर्स फ्रॉम द प्रसर ऑफ अ मोटिव गैस यूजअली स्टीम और कंप्रेस्ड एयर ये आइदर स्टीम और कंप्रेस डेयर के हेल्प से काम करता है सो फ्रेंड्स दोबारा समझते हैं बेसिकली पैसर पावर टैंकेजिंग पम्पिंग यूनिट या फिर कंडेंसेट ट्रांसफर पम्प इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ कंडेंसेट फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टीम यूटिलाइजेशन टू द बॉयलर फीड सर्किट और ये जो कंडेंसेट होता है दिस इज़ एन आइडियल सोर्स फॉर द बॉयलर फीड वाटर नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली अगर ऑपरेशन की कि ये किस तरीके से काम करता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए जो कंडेंसेट है इट रिटर्न पंप यूनिट ऑपरेट्स ऑन अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल ये बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है द कंडेंसेट फ्रॉम अ रिसीवर टैंक फ्लोज बाय ग्रेविटी इनटू द मेन पंप बॉडी जो भी आपका कंडेंसेट होता है ये देखिए फ्रेंड्स या इस डायग्राम को आप गौर से देखिए ये, ये आपका कंडेंसेट है ये यहां से इन होता है जो ये सेकंड पॉइंट आपका बोल रहा है कंडेंसेट फ्रॉम अ रिसीवर टैंक फ्लोज बाई ग्रेविटी इन द मेन पंप बॉडी एज द कंडेंसेट लेवल इन द पम्प बॉडी राइजेस जैसे ही इसमें कंडेंसेट का लेवल राइज होता है द फ्लोट अटैच टू देंटर फोर्क ऑल्सो राइजेज फ्रेंड्स इस डायग्राम को गौर से देखिए जैसे ही इसमें कंडेंसेट का लेवल एक लेवल के ऊपर बढ़ता है तो ये जो ऊपर ये गोल वाला ये जो आप देख रहे हैं ये गोल वाला ये फ्लोट वॉल्व आपका ऊपर की तरफ मूव करता है एट अ प्री डेटाम फ्लोट की प्री डेटाम पोजिशन के ऊपर क्या होता है अ स्प्रिंग एटेड मैकेजम स्नैप्स ओपन द मोटिव इनलेट वॉल्व सो दैट मोटिव इनलेट फ्लूड फ्लोज इन दम्प इसकी फ्लोट की एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका ये जो इनलेट वाला वॉल्व है ये इनलेट वाला वॉल्व आपका ओपन होता है ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ये जब आपका एक फ्लोट आपका एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाएगा आफ्टर दैट आप ये, ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका इनलेट वाला वॉल्व आपका ओपन होता है सो so, फ्रेंड्स होता क्या है दिस मोटिव ड्राइव्स द कंडेंसेट आउटलेट तो इसमें बेसिकली फ्रेंड्स दो चीजें रहती हैं आपका ये देखिए इस डायग्राम को आप गौर से देखिए कि इस पोजिशन में आपका ये जो है आपका आउटलेट वाला वॉल्व ये वॉल्व आपका क्लोज है नाउ फ्रेंड्स होता क्या है जैसे ही ये फ्लोट आपका ऊपर की तरफ मूव करता है तो देखिए इस फ्लोट के मूव करने के साथ ही आपका ये जो इनलेट वाला वॉल्व है इनलेट वाला वॉल्व ओपन होता है और आउटलेट वाला वॉल्व आपका क्लोज हो जाता है जो फ्रेंड्स आपका ये इनलेट वाला वॉल ओपन होता है तो यहाँ से बेसिकली इस पोजीशन से आप देखिए स्टीम अंदर की तरफ आती है ये ये देखिए फ्रेंड्स स्टीम अंदर की तरफ आई और उस स्टीम ने अंदर प्रेशर क्रिएट किया उस प्रेशर की वजह से आपका क्या होगा ये डिस्चार्ज वॉल्व फिर ओपन होता है और यहाँ से सारा का सारा एग्जॉस्ट बेसिकली ये आपका प्लांट में ये आपका पूरा का पूरा कंडेंसेट आउटलेट ये आपका प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है सो so फ्रेंड्स ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है आपका is pumpka the condensate is pumped the level inside the body falls causing flow to descend towards the lower position at this point the spring mechanism again snaps back to open the exhaust valve and close the motive inlet valve the exhaust valve open to drive the expanded motive fluid by incoming condensate to be driven out of the pump it is important to note that the steam is not used to pump water द प्रेसर एक्सटेड बाई द स्टीम इज यूज एज अ मोटिव फोर्स हेंथ स्टीम कंजम्पन इज वेरी लिटल फ्रेंड्स होप आपको इसका वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स एक बार दोबारा आपको बताता हूँ तो आपको जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें यह देखिये ये आपका कंडेंसेट का इंडक्टर जो प्लांट से कंडेंसेट आ रहा है जैसे ही ये कंडेंसेट इसमें भरने लग जाता है तो धीरे धीरे आपका ये वॉल्व ऊपर की तरफ राइस करता है जब ये वॉल्व फ्रेंड आपका ऊपर की तरफ राइज करता है तो बेसिकली ये स्टीम का इनलेट वॉल्व ओपन होता है और इसके अंदर सडन स्टीम आपका एंटर करती है सो स्टीम के प्रेशर की वजह से आपका क्या रहता है कि ये जो कंडेंसेट है ये कंडेंसेट ये बाहर की तरफ ट्रांसफर चालू करता है सो फ्रेंड जैसे ही ये कंडेंसेट बाहर की तरफ ट्रांसफ़र आपका होता है तुरंत ये फ्लोट नीचे की तरफ जाता है और ये आउटलेट वॉल्व खुलता है और जो अंदर थोड़ी बहुत स्टीम रहती है वो आपकी बाहर की तरफ एग्जॉस्ट चली जाती है और ये जो बेसिकली यहाँ से ट्रांसफ़र होता है कंडेंसेट का वो बेसिकली होता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द स्टीम इस केस में फ्रेंड्स हमारा जो स्टीम का कंजम्पशन रहता है वो काफी लेस होता है नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली ट्रबल शूटिंग क्या होती हैं प्रेशर पावर पैकेजिंग पंपिंग यूनिट की सो फ्रेंड्स पहला होता है नो स्ट्रोक बाय द पंप अगर आपका पंप कोई भी स्ट्रोक नहीं ले रहा है तो सो फ्रेंड्स द मोस्ट एक्टली रीजन फॉर दिस इम्प्रॉपर फ्लो ऑफ कंडेंसेट बाय द ग्रेविटी फ्रॉम द रिसीवर टू द पंप इसका एक मेन रीज़न हो सकता है अगर आपका इम्प्रॉपर फ्लो हो रहा है कंडेंसेट का बाय ग्रेविटी फ्रॉम द रिसीवर टू द पंप तो फ्रेंड्स अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है चेक एंड क्लीन द पाइपलाइंस एंड द एसेसरीज इंक्लूडिंग द चेक वॉल्स हमें पाइपलाइंस को और जो चेक चेकवाल्स है उनको क्लीन करना है एंड एनश्योर करना है दैट द कंडेंसेट इज़ कमिंग टू द पंप रिसीवर और हमें यह इन्श्योर करना है कि जो हमारा कंडेंसेट है वो बेसिकली पंप रिसीवर में आ रहा है पंप डज नॉट वर्क ऑन स्टार्टअप अगर जो पंप है वो मेरा स्टार्टअप काम नहीं कर रहा है तो उसका रीज़न हो सकता है द पंप में नॉट बी फीलिंग पंप मेरा फिल नहीं हो रहा होगा चेक दैट द कंडेंसेट इन लाइट वॉल्व इज ओपन इफ़ द वॉल इज ओपन द स्टेनर में भी चोकड तो मेरे को इन दैट केस कंडेंसेट इन लाइट वॉल्व चेक करना है इफ़ द वॉल्ज ओपन दैन मेरा स्टेनर चोक हो सकता है इन दैट केस मेरे को फ्रेंड्स क्या करना है क्लीन एंड रिप्लेस द मैस इफ रिक्वायर्ड इफ द पम्प इज़ फीलिंग इट मे नॉट पम्प द कंडेड इफ़ द मोटिव लाइन इज क्लोज्ड और इफ़ द प्रेसर इज इनसफिशियंट सो इन दैट केस मेरे को चेक करना है स्टेनर प्रोवाइडेड ऑन द ट्रैप इट शुड बी क्लीन और चेक करना है इनलेट वॉल्व स्टीम का ओपन है या फिर नहीं है और उसका जो प्रेशर है वो एटलीस्ट पॉइंट फाइव बार से आपका वन बार के बीच में होना चाहिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा पंप अपियर्स नॉर्मल बट कंडेसिट ओवरफ्लोज पंप मेरे को दिखने में तो नॉर्मल लग रहा है लेकिन मेरा कंडेंसिट ओवरफ्लो कर रहा है सो फ्रेंड्स इसमें बेसिकली क्या होता है आपका द कंडेंसेट इज कलेक्टेड इन द रिसीवर बिफोर फ्लोइंग इंटू द पंप बाई द ग्रेविटी पहले वो रिसीवर में कलेक्ट होता है आफ्टर दैट इट फ्लोज इंटू द पंप बाई ग्रेविटी इफ द रिसीवर ओवरफ्लोज दैट मीन्स कंडेंसेट इज नॉट बींग पंप एज फास्ट एज इट इज एक्टिंग इन द रिसीवर अगर ये ओवर फ्लो हो रहा है कंडेंसेट उसका मतलब ये रहता है कि वो जिस रेट से पम्प होना है उससे ज्यादा रेट से वो फिल कर रहा है ऐसा बेसिकली फ्रेंड्स आपका तब हो सकता है अगर आपका जो पंप की साइजिंग है उसकी फ्लो कैपेसिटी जो है वो हमने लेस पकड़ी हो इन कंपेरिजन टू द कंडेंसेट कमिंग टू द रिसीवर सो इन दैट केस हमें अपने पंप के फ्लो रेट को चेक करना है और ये देखना है कि उसकी कैपेसिटी सुटेबल है या फिर नहीं है सो so फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग्स हैं तीन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया रिगार्डिंग टू आपका कंडेंसेट ट्रांसफर पंप्स नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं सो so फ्रेंड्स अगर हम पहले एडवांटेज की बात करते हैं तो इट रिमूव्स कंडेंसेट अंडर ऑल लोड कंडीशंस ये बेसिकली कंडेंसेट को रिमूव करता है अंडर ऑल लोड कंडीशंस एंड मैक्सिमम प्रोसेस एफिशिएंसी नो मैकेनिकल सील्स और पैकिंग लैंड टू लीक इसमें कोई भी पैकिंग लैंड या फिर मकैनिकल सील्स नहीं होती हैं जिनके लीक होने के चांसेज हो सो इट रिड्यूसेज द मकैनिकल कॉस्ट इट रिक्वायर्स नो इलेक्ट्रिकल पावर इसके केस में हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिंगल ट्रेड फॉर इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर एक सिंगल ट्रेड होता है इंस्टॉलेशन और रिपेयर के लिए इट इज़ सुटेबल फॉर हेजाडियस एंड डिमांडिंग इन्वामेंट्स ये सुटेबल होता है फॉर हेजाडियस एंड डिमांडिंग इन्वायमेंट्स के लिए कैविटेशन की जो प्रॉब्लम होती है इट इज़ बेसिकली एलिमिनेटेड रिड्यूसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो हेमीसंस जिसकी वजह से हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है और जीरो हेमिसंस होते हैं मिनिमल स्टीम कंजम्पशन इसके केस में फ्रेंड्स मेरा स्टीम कंजम्पशन जो होता है वो मेरा बिल्कुल मिनिमम होता है हाई साइकिल लाइफ चेकवॉल्स इस जो भी मेरे चेकवॉल्स यहाँ पे यूज होते हैं उनकी लाइफ मेरे को काफ़ी अच्छी मिलती है इसके केस में सो so, फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस होते हैं मेरे आपका कंडेंसेट ट्रांसफ़र पंप्स के केस में सो so, फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बेसिकली इतना ही कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका फ्लूजाइज बेड ड्रायर क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय अ नाइस डे